दोस्तों, ये वीडियो जो है एक बीम किस तरीके से डाला जाता है वह दिखाया गया है। अगर आपका पुराना मकान है और आप अपने घर में लेंटर की सपोर्ट के लिए बीम डालना चाहते हैं और दीवार हटा के बड़ा हॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में दिखाया गया है किस तरीके से लेंटर के सपोर्ट के लिए बीम डालें, क्योंकि बीम डाल के ही आप लेंटर को सपोर्ट मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी वेट होता है और आपको ऊपर मकान भी बनाना है। तो आप किस तरीके से लेंटर के सपोर्ट के लिए बीम डाल सकते हैं वो इस वीडियो में दिखाया गया है। ऐसे ही मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था जैसे ये दीवार के अंदर बीम पड़ा है कि कैसे पुराने मकान में आप बीम डालें दीवार को काट के, मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इस दीवार को काटना है और इसमें लेंटर के नीचे बीम डालना है, तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बीम डालना है। कुछ इस तरीके से आपका बीम हो जाएगा, ये देखिए। आपको अगर कमरे को बड़ा करके हॉल करना है तो सपोर्ट में लेंटर के बीम ज़रूर आपको देना है, नहीं तो लेंटर जो है लोड नहीं ले पाएगा ऊपर का। तो दोस्तों, आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं किस तरीके से आपको लेंटर के सपोर्ट में बीम डालना है और फिर दीवार को हटाना है जिससे आपको बड़ा हॉल करना होगा। देखिए, आपको जितना चौड़ा बीम डालना है लेंटर के सपोर्ट में उतनी दीवार को आपको काट लेना है। दीवार को खड़ी रहने देना है, बाकी दीवार को कोई दिक्कत नहीं है। आपको धीरे धीरे जो है 9 इंच की, 10 इंच, 12 इंच जितनी भी आपको चौड़ी बीम खड़ी करनी है तो वो उतनी ही चौड़ाई में आप लेंटर और दीवार के बीच में कटिंग कर लीजिए। कुछ इस तरीके से देखिए, ये दीवार जो है काट के बीम रखने की जगह बनाई जा रही है। ये ब्रोकर हैम्बर से काट रहे हैं जो 5 kg का है, उसी से ये दीवार काट रहे हैं। बहुत ही आसानी से कट जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप दीवार हटा के करेंगे तो लेंटर में सपोर्ट भी नहीं रहेगा, पर उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि लेंटर में सपोर्ट के लिए बल्ली वगैरह लगा देनी है। ये मैंने जो पहले वीडियो बनाया था कि किस तरीके पुराने मकान में काट के बीम डालनी है, ये देखिए, ये लेंटर की सपोर्ट के लिए मैंने बीमें बल्ली भी लगा रखी हैं। आपको भी ऐसे ही बल्ली लगानी है, ये देखिए। जब आप ऐसा काट लेते हैं फिर आपको क्या करना है, बीम बना के उस गैप में बीम को डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात है, ये बीम डालने से पहले नीचे दीवार में आपको एक लंबी सी पॉलीथीन डाल देनी है जिससे कि आप जब मसाला भरेंगे तो दीवार पिए ना। मैंने इसमें डाला नहीं है, आप पॉलीथीन लंबी सी इस बीम के नीचे रख के फिर बीम रखिए आप, क्योंकि फिर क्या है, बहुत अच्छी तरीके से भरेगी। बीम रखने के बाद आपको क्या करना है, शटरिंग करनी है। ये देखिए, मैंने उसकी अंदर और बाहर दोनों तरफ से कमरे में शटरिंग कर दी है। मुझे ये दीवार नीचे की हटानी है तो मैंने इसलिए इस बीम को डालना उचित समझा है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इसमें शटरिंग की है। दोनों तरफ से मैंने शटरिंग इसलिए की है कि जब मैं मसाला इसमें भरूंगा तो इधर उधर गिरे नहीं। दोस्तों, यही एक ट्रिक है, अगर आप बीम में यहीं से खड़े होकर मसाला भरेंगे तो लेंटर में उतना सपोर्ट कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, मैंने इस तरीके से इसको भरा है। ये देखिए, मैंने छत पे जाकर लेंटर में 3 छेद किए हैं छोटे छोटे, छत के ऊपर से जाके, ये क्योंकि मेरा पहले कमरा बना हुआ है तो मैंने दीवार को हटाना मुनासिब नहीं समझा इसे। ये मैंने 3 छेद जो है लेंटर में मशीन से कर दिए हैं। मेरा इतना बड़ा कमरा बना है और मैं अगर नीचे की दीवार हटाता तो मकान गिरने का डर रहता। फिर आपको क्या करना है, कंक्रीट का मसाला बना लेना है, बढ़िया अच्छा सा बनाना है मजबूत। ये देखिए, ये नीचे बीम दिख रही है और शटरिंग भी दिख रही है, और इन्हीं छेदों से अब हम इसमें जो है मसाला भरेंगे। 3-4 छेद मतलब एक एक दो दो फीट की दूरी पे आप कर सकते हैं, इन्हीं से आपको मसाला गीला करके भरना। ये देखिए, गीला मसाला करके भर रहे हैं और मसाला डालने के बाद आपको डंडे से या किसी से, अगर आपके पास वाइब्रेटर है तो बहुत ही अच्छी बात है, वाइब्रेटर से आप करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आपका जो है बीम निकलेगा एकदम लेंटर से टच। मसाला याद रखें गीला करके भरना है आपको। जो शटरिंग की है, ये देखिए,
बाद में दीवार हटाने के बाद कुछ बीम आपकी इस तरीके से निकलेगी। ये देखिए बड़ा हॉल हो गया है, कोई खतरा नहीं है मकान में। ये देखिए ये बीम ऐसे निकली है। इस ट्रिक को आप अपनाइए, बहुत ही अच्छे सपोर्ट में आपकी बीम भरेगी। जैसे मिस्त्री लोग दीवार तोड़ के बीम भरते हैं तो वो फिर उसके बाद ईंट उसमें फंसाते हैं, अरे उस तरीके से आपके लेंटर में कभी बेट नहीं आता है, वो एक ढोल का पोल खड़ा रहता है। आप इस ट्रिक को अपनाइए, आपका बीम 100% लेंटर और उसके ऊपर जो भी वेट रहेगा उसका लोड लेगा। अगर दोस्तों आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मेरे से पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैंने ऐसा ही एक वीडियो बनाया था कि पुराने मकान की दीवार को काट के किस तरीके से पिलर खड़े करें, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं।